जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम ऑनलाइन वेब टीचर डॉट कॉम। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि कैसे आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में मैसेंजर ऐड करना है, यानी वहाँ पे कॉर्नर पे एक पॉपअप शो हो रहा होता है, उस पॉपअप के थ्रू कोई भी बंदा आपको मैसेज सेंड कर सकता है आपके फेसबुक पेज पे। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो आएँ आप भी मेरे साथ आएँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें, तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में, फिर आपने जाना है फेसबुक पे। फेसबुक आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने जो भी आपने पेज बनाया हुआ है वो आपने ओपन कर लेना है। अगर आपने पेज नहीं बनाया हुआ तो सिंपली आपने अपना पेज बना लेना है। आप अपनी वेबसाइट का कर रहे हो, आपके बिजनेस का कर रहे हो, जिस चीज़ का भी आप कर रहे हो, तो सिंपली आपने पेज बना लेना है। ठीक है, अगर आपने पेज नहीं बनाया हुआ तो सबसे पहले आपने पेज अपना बना लेना है। पेज बनाने के बाद आप सिंपली ऐसे यहाँ पे आ जाओगे तो अब आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। जब आप सेटिंग पे आते हो तो ये जनरल पे मैं अब मैसेजिंग पे क्लिक करना है। ये मैसेजिंग पे यहाँ पे किया क्लिक, अब बिल्कुल नीचे आ जाना है, ये लिंक हो जाएगी। तो अब आपने Add Messenger to your website, Get Started पे करना है क्लिक। ये विंडो ओपन हो जाएगी तो अब आपने नेक्स्ट पे करना है क्लिक। ठीक है ना, Continue as असलम दस्ती। ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ लैंग्वेज का, यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज देना चाहते हो। ठीक है, अगर आप हिंदी रखना चाहते हो, हिंदी भी है, ये उर्दू भी है और इंग्लिश, मैं इंग्लिश US ही रहने देना चाहता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है ये मैसेज, आप कोई कस्टम मैसेज भी दे सकते हो, यानी जो आपका बिजनेस है उसके रिलेटेड आप एक कस्टम मैसेज भी यहाँ पे दे सकते हो। मैं इसे वैसे का वैसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, लैंग्वेज भी मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपने कलर चेंज कर लेना है, ये वाला, ये बाई डिफ़ॉल्ट तो ये वाला कलर आ रहा है जो फेसबुक मैसेंजर का कलर है, ये आ रहा है। आपने अपनी वेबसाइट के मुताबिक ये कलर चूज़ कर लेना है, यानी आपकी वेबसाइट का कलर कौन सा है। ठीक है ना, आप ये भी कलर भी चूज़ कर सकते हो, ग्रीन, ये वाला भी आप कर सकते हो डिम साल का, तो ये ग्रीन वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ। कस्टम कलर भी आप चूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, यानी आपकी वेबसाइट के मुताबिक। तो कलर कोड यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे करना है क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन ऐड करनी है, ये यहाँ पे अब किस डोमेन पे आप डालना चाहते हो। तो ये डोमेन है मेरे पास ये वाली, ये .com तक मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये मैंने कर लिया कॉपी और ये मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आप कोई और डोमेन आप ऐड करना चाहो, यानी सेम स्क्रिप्ट आप कोई इसी और डोमेन पे डालना चाहो तो कोई और डोमेन भी यहाँ पे, अदर डोमेन भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, नीचे फिर सेटिंग, आई इंस्टॉल द कोड बाई माई सेल्फ इन मेल इंस्ट्रक्शन टू योर डेवलपर। ठीक है ना, दो ऑप्शन है, ये कोड आप, ये वाला जो कोड है ये आप खुद इंस्टॉल करोगे या फिर ये वाला आप ईमेल कर दोगे अपने डेवलपर को। तो मैं खुद ही इंस्टॉल कर रहा हूँ तो खुद ही मैं ये रहने देता हूँ। ठीक है, ये सेव कर देना है आपने, ये ऐसे जैसे ही आप ये सेव करके फिर आप ये कोड कॉपी कर लेना है। कोड कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ विजिट सेक्शन में आ जाना है। ठीक है, तो अब विजिट सेक्शन में जब आप आ जाओगे तो अब यहाँ से एक कस्टम HTML का एक विजिट उठा लेना है, ये वाला विजिट मैं उठा लेता हूँ। एक विजिट पहले से मेरे पास ठहरा है। ठीक है, अब इस ये इधर पेस्ट कर देना है, Ctrl+V से आपने पेस्ट कर देना है, ये मैंने कर दिया Ctrl+V से पेस्ट। अब कर देना है इसे सेव। अब पहले हमारी वेबसाइट ये थी, देखो यहाँ पे कोई भी मैसेंजर हमें शो नहीं कर रहा, तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ।
ये आ गया, ये देखें। ठीक है, अब मैसेंजर आ गया, यानी कि फेसबुक से उसने उठा लिया कंटिन्यू एज असलम दस्ती। तो मैं इस पर करता हूँ। अब दो ऑप्शन है इस पर, कंटिन्यू एज असलम, कंटिन्यू एज गेस्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंटिन्यू एज असलम मैं जैसे ही करता हूँ तो ये यहाँ पे ये, ठीक है, ये ओपन हो गया मेरे पास। ठीक है, कैन यू टेल मी मोर, ये बने बने टेम्पलेट मुझे दे दिए। अब ये कस्टम मैसेज आ गया मेरे पास, इनमें से कोई भी मैं जिस पे क्लिक करूँगा तो ये मैसेज चला जाएगा। अगर कोई कस्टम मैसेज है तो ये यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं। तो सिमिलरली यार, इसी तरह से आपने मैसेंजर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर सेट कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।